नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पी एस ऑनियर पाठशाला में। टुडे वी विल राइट इन मैथ्स हेड बुक पेज नंबर 86 मैथमेटिक्स से ड्रॉ डॉट्स टू शो द बिगर नंबर सब्सट्रैक्ट मेंटल मैथ्स पेज नंबर 87 मैथमेटिक्स बी हायर ऑर्डर थिंकिंग टिक द करेक्ट आंसर राइट द मिसिंग नंबर वैल्यू फन एक्टिविटी लेट्स गेट स्टार्टेड। For that, we are using Maths Ahead Book, page number 86. Mathematics A, 1. Draw dots to show the bigger number as tens and ones, then subtract by crossing out. यहाँ पर हमें dots बनाकर ones और tens के numbers बताकर और cross out करके subtract करना है. तो first number जो bigger number है वो है 1717. यहाँ पर हमें 17 डॉट्स बनाने हैं लेकिन वंस और टेंस के पेयर में। तो वंस नंबर है 7 और टेंस का 10। तो यहाँ पर पहले बनाएंगे हम 10 डॉट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो ये हो गया टेंस। अब वंस में बनानी हमें 7 डॉट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब हमें यहाँ पर 9 डॉट्स को क्रॉस आउट करना है, माइनस करना है। तो वंस से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9। अब हमें रिमेनिंग डॉट्स काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो आंसर है 8। नेक्स्ट बी 19 माइनस 7। 19 बड़ा नंबर है, टेंस और वंस का ग्रुप बनाएंगे, 10 डॉट्स बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये टेंस का ग्रुप बन गया। अब वंस में बनाना है 9 डॉट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। यहाँ पर 7 को कट करना है, 7 डॉट्स को क्रॉस आउट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। रिमेनिंग डॉट्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। सो द आंसर इज 12। नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट 11 माइनस 8। 11 से बैकवर्ड काउंटिंग करें लास्ट 8 नंबर्स तक 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। 4 से पहले आएगा 3, तो आंसर है 3। नेक्स्ट 13 माइनस 7। 13 से बैकवर्ड काउंटिंग करें 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। 7 तक 7 नंबर्स बैकवर्ड काउंटिंग है और 7 से पहले आएगा 6। सो द आंसर इज 6। इसी तरह से आपको बाकी के सम सॉल्व करना है। नेक्स्ट 3 17 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ पार्क। 17 चिल्ड्रन जो है वो एक पार्क में खेल रहे हैं। 8 आर गर्ल्स, जिसमें से 8 जो है वो गर्ल्स हैं। हाउ मेनी आर बॉयज, तो अब हमें बताना है कि 17 में से 8 तो गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हैं। तो 17 माइनस 8 करेंगे, 17 से बैकवर्ड काउंटिंग करें 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 and 10। और 10 से पहले आता है 9, तो देयर आर 9 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। 4 ए बुक हैज 16 पेजेस, श्यामा हैज रीड 7 पेजेस। एक बुक में 16 पेजेस हैं और श्यामा ने उसमें से 7 पेजेस पढ़ लिए हैं। हाउ मेनी मोर पेजेस डज शी हैव टू रीड, तो अब 16 में से
7 पेजेस तो उसने पढ़ लिए, अब उसे कितने पेजेस और पढ़ने हैं, तो 16 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 9, तो अब इसे कितने पेजेस और पढ़ने हैं, 9. 5, मेंटल मैथ्स, कैन यू फाइंड द आंसर क्विकली विदाउट सब्सट्रैक्टिंग, लुक द पैटर्न. यहाँ पर हमें आंसर को जल्दी से फाइंड करना है विदाउट सब्सट्रैक्टिंग यानी काउंटिंग करते हुए. यहाँ पर हमें पैटर्न देखना है कि किस तरीके से हमें पैटर्न यानी सम्स दिए हैं. तो इसमें पैटर्न इस तरीके से है कि आगे बड़ा नंबर है जिसमें सभी में वन आ रहा है और पीछे एक कॉमन नंबर दिया है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10. अगेन वापस से 1 यहाँ लिख दिया और 2 में से 2 चला गया तो बचेगा 0. फिर 1 यहाँ पे कॉमन लिख दिया और 7 में से 7 चला गया तो भी बचा 0. 1 कॉमन लिख दिया, 5 में से 1 गया तो बचा 4. 1 कॉमन लिखा और 19 में से 1 चला गया तो यहाँ पे बचा 8. और 1 कॉमन लिख दिया, 2 में से 0 गया तो यहाँ पे क्या बचा, 8. तो इस तरीके से आप क्विक सब्सट्रैक्टिंग कर सकते हैं. पेज नंबर 87, मैथमेटिक्स बी हायर ऑर्डर थिंकिंग 1, टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हैं, इसका हमें टिक आंसर, करेक्ट आंसर जो है उस पर टिक करना है. ए 1, 10 and 7 वंस माइनस 4 वंस इक्वल्स टू, 1, 10 है और 7 वंस है, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 1, 7, 17. इसमें से माइनस करना है हमें क्या, 4, तो इन तीनों में से आंसर क्या होगा, 13. बी 2, 10s माइनस 2 वंस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे 2 टेंस दे रखा है लेकिन वंस कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन अगर टेंस आ रहा है तो वंस होगा, और 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है, 0. तो यहाँ पर टेंस की वैल्यू पे है 2 और वंस में कुछ नहीं दिया है, तो हम ले लेंगे 0 माइनस वंस करना है 2, तो 20 माइनस 2 इक्वल्स टू होता है 18. 2, राइट द मिसिंग नंबर. यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. ए 12 माइनस डैश इक्वल्स टू 10, तो 12 में से क्या माइनस करेंगे तो आंसर 10 आएगा, तो हम ये कर सकते हैं कि 12 में से 10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, तो 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10. पी 14 माइनस डैश इक्वल्स टू 4, 14 में से क्या माइनस करेंगे तो आंसर 4 आएगा, तो यहाँ पर हम 14 को 4 में से माइनस कर देंगे, 4 को 14 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 14 माइनस 4 होता है 10, तो यहाँ मिसिंग में 10 आ गया, तो जब 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 4. डैश माइनस 6 इक्वल्स टू 10. कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें से 6 माइनस होगा तो आंसर बचेगा 10. अब यहाँ पे हमारे पास बड़ा वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस छोटे वैल्यू को और आंसर को ऐड कर देंगे तो ये बड़ा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा. अभी तक हम माइनस करके निकाल रहे थे, तो 6 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, और 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10. नेक्स्ट 17 माइनस डैश इक्वल्स टू 0, 17 में से क्या माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, तो 0 आने के लिए जो वैल्यू यहाँ है वो ही पूरी माइनस हो जाएगी, तो आंसर 0 हो जाएगा, तो 17 माइनस 17 इक्वल्स टू 0. वैल्यू 3, इन अ विलेज मैनी पीपल लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ फ्लड्स. एक गांव में बहुत बाढ़ आ गई तो लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया. दे हैड नथिंग टू ईट, उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है. विद्या हैड 12 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, विद्या के पास 12 पैकेट्स हैं बिस्किट के. शी गेव 10 पैकेट्स टू हंग्री चिल्ड्रेन, 12 में से उसने 10 पैकेट्स भूखे बच्चों को दे दिए खाने के लिए. हाउ मैनी पैकेट्स आर लेफ्ट विथ हर, तो अब उसके पास कितने पैकेट्स बचे, तो 12 माइनस 10 इज 2, तो उसके पास कितने पैकेट्स बचे, 2. फन एक्टिविटी 4, डस रीटा हैव इनफ पार्टी ट्रीट्स फॉर एवरीवन, क्या रीटा के पास सभी के लिए पार्टी ट्रीट्स दिए हैं, इनफ अच्छे हैं कि सभी के लिए हो जाएंगे.
शो हाउ यू कैन फाइंड आउट इट सम ट्रीट्स आर मिसिंग, ड्रॉ इन द मिसिंग ट्रीट्स। हमें यहाँ पर देखना है और बताना है कि कौन से ट्रीट्स जो है वो मिसिंग है और उनको ड्रॉ करना है कि सबके लिए वो हो जाए। हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं पार्टी में, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो सारी चीज़ें चारों के लिए होनी चाहिए। 4 चिल्ड्रंस के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट है टॉफ़ी, टॉफ़ी कितनी है, 1, 2 और 3, एक टॉफ़ी मिसिंग है, कम है, तो हमें एक टॉफ़ी यहाँ ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है पिज्ज़ा, तो 4 होना चाहिए, 1, 2, 3 और 4, तो 4 पिज्ज़ाज हैं, सभी के लिए इनफ है। फिर नेक्स्ट है आइसक्रीम, आइसक्रीम भी 4 होनी चाहिए सबके लिए, तो 1, 2, 3 एंड 4, आइसक्रीम्स भी 4 है सबके लिए। नेक्स्ट है बलून, बलून भी 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 1 एंड 2, तो कितने बलून्स और चाहिए हमें यहाँ पर, 2 बलून्स और 1 टॉफ़ी। तो इस तरह से आपको 1 मिसिंग टॉफ़ी और 2 मिसिंग बलून्स को ड्रॉ करना है। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.